बिलारी के किसानों की इस वक्त मुश्किल आ पड़ी है। दरअसल उन्होंने उड़द की फसल उगाई थी जिसको लेकर उन्हें काफ़ी नुकसान हुआ है। किसानों का ये कहना है कि इस फसल के नुकसान की वजह से हमें काफ़ी समस्या का सामना भी करना पड़ रहा है। मुरादाबाद जिले के बिलारी क्षेत्र में किसान बड़ी मुश्किल में घिर गए हैं। बिलारी क्षेत्र की सैकड़ों बीघा खेती की जमीन में उगाई उड़द की फसल पूरी तरह बर्बाद हुई है, जिसके चलते किसानों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। दरअसल जुलाई के महीने में बोई गई उड़द की फसल खेतों में तैयार खड़ी है, लेकिन उड़द के पौधों में फलियाँ नहीं आई हैं। कड़ी मेहनत से उगाई फसल के बर्बाद होने से जहां किसान हताश हैं, तो वहीं उनके सामने आर्थिक संकट भी खड़ा हो गया है। किसान जहां फसल के बर्बाद होने के पीछे पौधों के बीमार होने को वजह बता रही हैं, वहीं कृषि जानकार सितंबर में हुई बारिश को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। कैसी हालात है फसल की? फसल की साहब आप देख रहे हैं, देख ही रहे हैं क्या क्या स्थिति है, क्या हो गया? और कुछ अच्छा बढ़ाया था फसल भी तुम्हारे सामने अच्छी खुशी मान लो हरी भरी है, फिर भी इसमें फली नहीं आई। फली नहीं आई? नहीं। क्यों नहीं आई कुछ पता चला? अब आई तो है तुम्हारे सामने, ये दिख तो नहीं है दाने, एक एक उसमें फलियों में दो दो तीन दिन दाने आए हैं, क्या आई है एक दो दो फली आई है। और इतनी मेहनत लगाई है इसमें, क्या पूछो मत, दो गुड़ाई लगा दी एक और एक स्प्रे कर दी इसमें घास की, और इसकी कीड़े की स्प्रे कर दी थी तब भी ये कहा गया, और इस पर फूल नहीं आ रहा था तो उस टाइम कहा गया, फिर मैंने स्प्रे फूल की करी थी फिर भी कुछ नहीं आया। इधर कितने लोगों ने ये खेती की थी, उनके खेती के क्या हाल हैं? उन्हों की ऐसे ही हाल है, एक ही है। ये भी हमारे चचा का खेत है पल्ली तरफ, तो उन्हों का भी ऐसा ही है, उनके भी तो आया ही नहीं। होती है इसकी फसल यहाँ? यहाँ तो ऐसा मान लो आधे आधे में होती है, जैसे एक नहीं होती, हमारे गन्ना नहीं होता है, हमारे ये गन्ना बंदर नहीं होने देते, हमारे तो यही का फसल होती है उड़द की, धान की, उड़द की और धान की। तो कितना नुकसान हुआ है इसमें? अब इसमें तो मान लो अगर ये 5,000 रुपये 10,000 रुपये कुंटल बिकता है, 6,000 रुपये कुंटल है इसमें, अगर दो अगर कुंटल बीघा का निकलता तो 10 बीघा खेत है, 10 कुंटल हो गए तो कितने हजार का हो गए, 1 लाख का हो गया, इतना ही कहा मान लो नुकसान नहीं है ये इसमें, क्या 2 कुंटल उड़द लिख रहे तो क्या हो गया, ज्यादा ज्यादा बैठ गए तो 12,000 13,000। अच्छा, फसल बोने से लेकर अब तक कितने लागत लगा चुके हो? अब तक तो लागत ऐसा मानो कि आगे होगी 8-9 हज़ार की, 6,000 की लगा तो 6-7 हज़ार की तो आई जाती है हर कीमत में। तो आप ये बताइए कि साल भर के लिए आप कैसे रोजी रोटी कैसे चलेगी अगर इसमें? अब साहब क्या कहता है ये उजाड़ दी जाएगी, उजाड़ने के बाद में इसमें वो गेहूं बो जाएंगे फिर परिवा तो करने का। उड़द गई इस बार? हाँ उड़द गए, उड़द की बाहर के चली गई, अब गेहूं की बही जाएगी। देखिए जो आपकी मौसम रहा वर्षा ऋतु में, पहले तो जब हम जुलाई में उसकी बुआई करते हैं तो उस समय बीच बीच वर्षा हो जा रही थी, इसलिए किसानों को बोने का समय नहीं मिला, यानी कि खेत भुरभुरा हो जैसा उसके लिए ज़मीन चाहिए, तो एक ये भी कारण रहा। दूसरा उसके बाद जब हम देखते हैं सितंबर में कई बार बीच बीच रुक करके बारिश हो जा रही थी, और उस समय पुष्पावस्था में कुछ उड़द था, और हाँ जैसा कि हम जानते हैं कि अगर कोई दलहनी फसल है और उसमें फूल आ रहा हो और वर्षा हो जाएगी तो निश्चित रूप से फूल वो गिरेंगे, और उसकी जो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ है वो कम होगी, वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा होगी, यानी वनस्पति ज़्यादा हुई, पौधे ज़्यादा बढ़ गए उड़द के, उसमें पत्तियाँ ज़्यादा बन गई, और उसकी वजह से वो काफ़ी घना सा होगा, सघन सा हो गया, और इस वजह से थोड़ा सा उसमें फलियाँ कम बन रही, वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा हो जाने की वजह से और फ्लावर ड्राप होने की वजह से फलियां थोड़ा कम बनी। पूरे क्षेत्र में ये समस्या आई है सर? नहीं, पूरे क्षेत्र में नहीं, जो किसान पहले लगा लिए हैं उसमें कम समस्या है, जो बाद में लगाए हैं उसमें ज़्यादा समस्या है, तो ऐसा नहीं कह सकते हम कि सभी में ऐसी समस्या है। हाँ कुछ लोगों के यहाँ ये दिक्कत है, कहीं दो फलियाँ आ रही, कहीं 3 आ रही, कहीं 4 आ रही, तो फलियों की संख्या पुष्पा कम लगने की वजह से या फूल गिरने की वजह से जो है फलियाँ थोड़ा कम बनी। अच्छा, किसानों के मन में जैसे आपने बताया कि बरसात के चलते फलियां गिर जाने से जो है कि फलियां कम आई हैं, किसान शायद ये भी सोच रहा है कि कोई कीड़ा लग गया या कोई बीमारी लग गई, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, कीड़ा अगर फली के अंदर कीड़ा आए तो समझ में बात आती है, फली के अंदर कीड़ा मैंने भी देखा है, कीड़ा तो नहीं है, अगर कीट है तो उसकी दवा हो जाती, और जब फलियाँ ही कम बन रही तो उसके लिए अब लास्ट स्टेज में कुछ नहीं हो सकता, और जैसा कि हम देख रहे हैं अब मौसम ठंडा हो रहा है हमारा,
तो अब केवल फूल आएंगे भी तो उसमें फलियां नहीं बनेंगी ठंड मौसम में। और उड़द का ये टाइम होता है कि अक्टूबर में फलियां उसकी बन जाती हैं और नवंबर के शुरू तक, अक्टूबर के लास्ट में या 15 नवंबर तक उसकी कटाई हो जाती है। सामान्यतः जो प्रजाति है जैसे PU 31 वैरायटी है, ये शॉर्ट ड्यूरेशन की वैरायटी है, उसकी कटाई हो जाती है। यानी कुल मिला के बरसात के चलते किसान, हाँ मौसम खराब होने, मौसम की वजह से थोड़ा सा ऐसा ये हुआ है।